हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे व्रत वाला नाश्ता। और इसको हम साबूदाने और आलू से बनाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और इसको बनाना भी आसान है और इसको हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर बॉयल आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 4, और इसको हम ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस से। तो देखिए, हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर साबूदाना ले लिया है जिसको हमने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। और ये 1 कप साबूदाना है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर और 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और उसको हमने अब छान कर ले लिया है, पानी इसका अलग कर दिया है। और देखिए फ्रेंड, कितना सॉफ्ट हो गया है ये भिगोने के बाद, ये देखिए। और फ्रेंड, साबूदाने से इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी के साथ यहाँ पर हमने कूटू का आटा ले लिया है 1/2 कप। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पर 1 कप बॉयल आलू लिए थे और 1 कप हमने साबूदाना लिया था। इसके साथ हमने 1/2 कप कूटू का आटा लिया है। और ये 4 से 5 हरी मिर्च को हमने बारीक काट कर ले लिया है और हरे धनिया को बारीक काट कर ले लिया है। और ये 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने एकदम बारीक ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर हमने काली मिर्च पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। और इसी के साथ हम नमक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर कर इसका डो लगा लेंगे हम। और फ्रेंड, इसमें हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो देखिए, डो लगाकर हमने तैयार कर लिया है ये। और अब हम हाथों पे पहले ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और अब नींबू के साइज जितना एक पोर्शन लेंगे इसका, जितना बड़ा नींबू होता है। और देखिए इस तरीके से, तो देखिए फ्रेंड, इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे पहले। अब हथेली पे रखेंगे और इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे। तो गोल कर लिया है हमने। अब इसको इस तरीके से दबा देंगे, देखिए हाथों से। और इसको एक टिक्की जैसा शेप दे देंगे। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं ये आपको। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इनको अब हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। और इसमें ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए, गैस ऑन कर दिए हमने। ऑयल को गरम होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऑयल गरम हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड, ऑयल हमें एकदम मीडियम गरम चाहिए, एकदम हाई, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। गैस को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब एक एक कर कर इसमें जितने पीस एक बार में आएंगे उतने पीस ऑयल में डाल देंगे। सारे पीसेस को हमने ऑयल में डाल दिया है। अब उसको फ्राई होने देंगे। तो देखिए, इसको पलट देंगे इस तरीके से, चम्मच से पलट देंगे। और उसको पलटते हुए चारों तरफ से गोल्डन कलर का हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, फ्राई होने लगे हैं। तो जो फ्राई हो गए हैं उनको हम निकाल कर रख लेंगे। और देखिए, इसको पलट देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा होता है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखना। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया है इन पे।
तो देखिए फ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए ये, और कितना अच्छा इस पे कलर आया है। तो देखिए फ्रेंड कितने टेस्टी लग रहे हैं ये देखने में, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब इनको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड सबको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने निकाल कर यहाँ पर सबको एक प्लेट में रख लिया है, और आप इसको हरी चटनी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। इस तरीके से आप बनाइए और खाइए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।